Hello students, today we are studying the topic Introduction to Coordinate Geometry. In this topic, I will explain to you the defines and how to plot the point on a graph paper. See, ये हमारा graph paper है, इसमें आपको two perpendicular lines show हो रही होंगी, एक ये line है और दूसरी ये line है, ठीक है? तो ये जो नीचे वाली line है, आपको show हो रही है x dash O, O ये आ गया और X ये, ठीक है? ये कहलाती है X axis, क्या? X axis, ठीक है? दूसरा है हमारी ये वाली लाइन, ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन बन रही है Y, O, O ये आ गया और ये Y dot, Y dash, ठीक है? तो ये लाइन कहलाएगी Y axis, क्या कहलाएगी ये Y axis, है ना? ये X axis, ये वाली लाइन आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं. ये कहलाएगी x एक्सिस और ये कहलाएगी y एक्सिस, ठीक है? अब आपको इसमें देखना है, ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन. उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है, ये जो O है, O से ओरिजिन से ये x एक्सिस है तो, और ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस से इस साइड का जो पोर्शन होगा ये होंगे माइनस के, मीन्स निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, और y एक्सिस से इस साइड का पोर्शन ये आपको दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? इसी टाइप से ऊपर देखिए, ये x एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है टू पार्ट्स में, ऊपर ये नीचे का और ये ऊपर का पोर्शन. तो इस x एक्सिस से ऊपर का जो पोर्शन होगा वो तो होगा प्लस का, उसमें प्लस के इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2, 3, 4, और ये जो नीचे का पोर्शन होगा इसको निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे -1, -2, -3, -4. इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, आपको जब समझ में आएगा आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? अब देखिए, आप इसकी डिफाइन देखते हैं. कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑन ए ग्राफ पेपर ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट ओ एट द पॉइंट ओ. तो इस तरीके से ये जो हमने आपको अपनी दिखाया था पीछे ग्राफ, तो उसमें क्या बताया, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस जो हम ड्रॉ करते हैं एक्स डैश ओ और एक्स और वाई ओ वाई डैश इंटरसेक्टिंग ईच अदर, वो कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं? यहां बीच पर, बीच में. तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जो बीच में पॉइंट है इसको बोलते हैं ओ. इसको क्या बोलते हैं? ओ. कहां बोलते हैं? ओ. दीज लाइंस आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस. इन लाइंस को क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेट एक्सिस. वो कौन से लाइंस हैं? ये लाइंस. इनको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये और ये दोनों क्या हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है? तो इनको क्या बोलेंगे हम? कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है? अब इसके बाद है द लाइन एक्स डैश ओ एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. द लाइन वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड द वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस कहलाता है. वाइल द पॉइंट ओ, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर, तो वाई ओ इज कॉल्ड द ओरिजन. ओ इसको क्या बोलते हैं? बीच के पॉइंट को जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजन. ओ इसलिए इसको ओ से रिप्रेजेंट करा जाता है. द प्लेन ऑफ द पेपर कंटेनिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन. और जिस प्लेन पर ये दोनों कोऑर्डिनेट प्रेजेंट होते हैं, तो द प्लेन ऑफ द पेपर, उस प्लेन पेपर पर जिस पर ये बोथ कंटेन बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन. वो क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन. जिस प्लेन पर ये दोनों एक्सिस बनाए जाते हैं, वो जिस प्लेन पर बना रहे हैं वो क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन, ठीक है? तो ग्राफ है जिस पर ग्राफ बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्लेन. अब इसके बाद देखिए ऑर्डर पेयर. इसमें ऑर्डर पेयर क्या हो गया? ए पेयर ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर. ए बी विद ए एट द फर्स्ट प्लेस एंड बी एट द सेकंड प्लेस. इसमें क्या कहा है कि इसमें एक पेयर होता है टू नंबर्स का ए और बी के रूप में. जैसे ये हम यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फिगर दिखाई दे रही है आपको, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इसमें कहा ए पेयर ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर. उसको स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा हुआ है ए और बी, जैसे ये स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर. ये क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर. क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर ए और बी विद ए. ए को क्या बोलेंगे? इसमें फर्स्ट प्लेस पर है, तो ये किस पर है? फर्स्ट प्लेस. ए एट द फर्स्ट प्लेस, पहले आ रहा है तो उसको फर्स्ट प्लेस पर, और बी एट द सेकंड प्लेस, बी आ रहा है सेकंड प्लेस पर, ठीक है?
इसके बाद फिर है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। अब हम किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट करेंगे तो कैसे करेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर पी ए और बी, ये रिप्रेजेंट करा है इसने, ये रिप्रेजेंट करा हुआ दिखाई दे रहा होगा पी ऑफ ए और बी, ठीक है ए बी। हियर ए इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट, ए को क्या बोलेंगे, पहले आ रहा है ए, इसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, और एब्सिसा जो पहले आता है उसको क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट प्लेस पर आता है उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, और दूसरा है सेकंड प्लेस पर जो आता है बी, उसको बोलते हैं बी इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट पर दूसरे नंबर पे जो आ रहा है बी, वो क्या कहलाएगा, वाई कोऑर्डिनेट पर और ऑर्डिनेट ऑफ पी और ऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है। इसमें बस आपको सिंपली ये ध्यान रखना है, पहले वाले को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या दूसरा नाम है इसका एब्सिसा, दूसरे प्लेस पर जो आता है उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, ठीक है। ए को देखा जाएगा एक्स एक्सिस पर और बी को देखा जाएगा वाई एक्सिस पर, ये ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपकी ये है क्वाड्रेंट्स, ये भी जब हम इसको, जब ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस आते हैं तो इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, आपको फिगर भी दिखाई दे रही है ये साइड में, ये फोर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन ऑफ द ग्राफ पेपर इनटू फोर रीजन्स, कितने रीजन में करते हैं, फोर रीजन, कॉल्ड क्वाड्रेंट, वो क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट, कैसे, रीजन एक्स ओ वाई, तो एक्स ओ वाई कौन सा आ गया, एक्स ये आ गया ये वाला एक्स ओ और ये वाला वाई, एक्स ओ वाई, ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आ गए, प्लस प्लस के, प्लस प्लस के कैसे, एक्स ये वाला पहला तो होता है एक्स, तो ये भी प्लस का बताया था मैंने अभी आपको पहले ग्राफ में, और वाई जो ऊपर की तरफ जा रहा था वो भी प्लस का था, तो पहला भी प्लस का एक्स और दूसरा वाई भी प्लस का, तो कैसे बन गए, एक्स एक्स प्लस प्लस, दोनों किसके बन गए, प्लस के, क्योंकि इधर की साइड भी प्लस के मार्क होते हैं और इधर की साइड भी प्लस के, तो दोनों प्लस प्लस के। अब आया दूसरा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में पहला मैंने बताया था एक्स एक्सिस, तो इधर की साइड जो एक्स एक्सिस होंगे वो आते हैं माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, और ऊपर की साइड के होते हैं प्लस के, प्लस का वन, प्लस का टू, प्लस का थ्री। तो पहला क्या होता है एक्स, तो एक्स तो है माइनस का यहां पर इधर की साइड, और वाई ऊपर की साइड जो जा रहा है वो है प्लस का, तो इसलिए वो प्लस का। तो दूसरे क्वाड्रेंट में कौन से आते हैं, जो माइनस और प्लस के होंगे, मतलब एक नंबर माइनस का होगा दूसरा नंबर प्लस का होगा। अब तीसरा क्वाड्रेंट हो गया एक्स डैश ओ और वाई डैश, वो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब इधर की साइड भी माइनस के बताए थे मैंने आपको, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, और नीचे की साइड भी मैंने आपको पहले भी ग्राफ दिखाया था, ये भी माइनस के होते हैं नीचे के, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। तो ये एक्स एक्सिस के भी माइनस के और वाई एक्सिस के भी माइनस के, तो इसलिए दोनों किस में आ गए, दोनों ही साइन माइनस के आ गए, ये रहे। थर्ड क्वाड्रेंट होगा आपका माइनस माइनस का, ये ध्यान रखना है आपको कौन से क्वाड्रेंट में कौन से साइन के होते हैं। फिर आया फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, वाई डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ एर एक्स, इसमें क्या है प्लस और माइनस, तो प्लस क्यों, क्योंकि एक्स है प्लस का है ना, और वाई है माइनस का, तो प्लस के तो एक्स पे देखेंगे और माइनस का देखेंगे वाई पर, तो पहला एक्स और दूसरा माइनस, तो ये ध्यान रखना है एक प्लस और माइनस के साइन वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जब अच्छे से और समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर वन, राइट द एब्सिसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था जो फर्स्ट प्लेस पर होता है वो क्या कहलाता है, एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट, या एक्स कोऑर्डिनेट, तो एब्सिसा कौन सा होगा, जीरो। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में आपका है एब्सिसा इज इक्वल टू जीरो, जीरो और फाइव में कौन सा है, जीरो। ऐसी सेकेंड पार्ट में क्या जाएगा एब्सिसा आपका, थ्री, तो एब्सिसा ऑफ थ्री सेवन, थ्री आ गया। एब्सिसा ऑफ माइनस टू और फोर में क्या जाएगा, माइनस टू, एब्सिसा क्या आ गया, माइनस टू, क्योंकि पहले नंबर पर है। इसमें क्या जाएगा, सिक्स, इसमें एब्सिसा कौन सा जाएगा, सिक्स। तो हमने फर्स्ट वाले सारे ले लिए, एब्सिसा कौन सा होता है, फर्स्ट प्लेस पर जो आता है, इसको एब्सिसा भी बोलते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में कहा है राइट द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोल दें या वाई कोऑर्डिनेट बोल दें, दो नाम बताए थे स्टार्टिंग में ही आपको। तो सेकंड प्लेस पर जो होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनेट बोले, या इसका दूसरा नाम क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसमें ऑर्डिनेट पूछा गया है तो कौन से होंगे, सेकंड प्लेस वाले, तो फर्स्ट वाले में कौन सा आ जाएगा, जीरो,
तो देखिए जीरो आ गया, ऑर्डिनेट ऑफ फोर जीरो जीरो। सेकंड वाले में कौन सा आ जाएगा, टू, क्योंकि टू है सेकंड प्लेस पर। थर्ड वाले में सेकंड प्लेस पर क्या है, माइनस फोर। फोर्थ वाले में सेकंड प्लेस पर क्या है, माइनस सेवन। तो ये क्या होगा, इसके ऑर्डिनेट। ये ध्यान रखना है आपको, ऑर्डिनेट कौन से होते हैं, सेकंड प्लेस पर जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे ऑर्डिनेट होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, ऑन ए ग्राफ पेपर प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे, ए है ए, फोर और थ्री, फोर और थ्री। तो मैंने आपको बताया था पहले वाले नंबर को देखते हैं एक्स एक्सिस पर, दूसरे वाले को देखते हैं वाई एक्सिस पर, ठीक है। फोर और थ्री ध्यान रखना है। अब हम कैसे लगाएंगे इसको, देखिए एक तो इसमें स्केल लेंगे 10SD is equal to 1, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था इससे पहली वीडियो में, जो इसमें छोटे छोटे से आपको मार्क्स दिखाई दे रहे हैं ये कहलाता है 1SD। ये बहुत छोटा सा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट बराबर का, बहुत छोटे छोटे से बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक इसमें यहाँ से और यहाँ तक आप देखेंगे इसमें 10 बॉक्सेज होंगे छोटे छोटे, इसी टाइप से आप यहाँ से और यहाँ तक देखेंगे तो ये भी 10 बॉक्सेज होंगे। तो इस पूरे बॉक्स में कितने होते हैं, 100 होते हैं। इस पूरे बॉक्स में कितने होते हैं, 100, 10 ऐसे और 10 इस टाइप से, 100 होते हैं। तो इनको बोलते हैं, एक छोटा सा बॉक्स जो इसमें आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं SD, स्मॉल डिवीजन। तो ये पूरा हम कितना हो गए, 10। तो इसलिए लिखा हुआ है 10 SD is equal to 1। आप चाहें तो इसको 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का गैप या यहां से यहां तक का गैप 1 सेंटीमीटर का होता है, बिल्कुल स्क्वायर शेप में होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर is equal to 1 भी लिख सकते हैं या 10 SD is equal to 1 भी लिख सकते हैं, दोनों सही है हमारे। तो मैंने यहाँ पे यूज कराया 10 SD is equal to 1। तो इसी टाइप से हमने इसमें मार्किंग कर दी है 10 10 के गैप से, 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर की साइड भी प्लस के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और लेफ्ट हैंड साइड के सारे माइनस के होते हैं, ये सब माइनस के आ रहे हैं। ऐसे ही नीचे की साइड जो होते हैं वो भी माइनस के होते हैं। अब पहला पॉइंट था हमारा 4 और 3, तो 4 को देखेंगे एक्स एक्सिस पे, तो कहाँ है एक्स, ये रहा 4 ये आ गया है ना, और 3 कहाँ है, वाई एक्सिस पे देखेंगे, वाई एक्सिस कौन सा, ये जो जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये आ गया 3, ठीक है। 4 यहाँ और 3 यहाँ, देखेंगे दोनों कहाँ मिलते हैं, जा करके दोनों यहाँ मिलते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे ए, क्या पॉइंट लगा देंगे ए, ठीक है। तो ए हो गया हमारा 4 और 3। अब आया था बी, बी था हमारा कितना था, बी -2 और 5। -2 को देखेंगे एक्स पर और 5 को देखेंगे वाई पर, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने क्या करा, एक्स को सो देखा, एक्स कितना था वो कितना था फर्स्ट पॉइंट -2, तो -2 को देखा एक्स पर, तो एक्स पर ये कहा है -1 -2, ये आ गया, ठीक है। और वाई पर कितना देखेंगे, वाई पर सेकेंड वाला पॉइंट है 5, तो 1 2 3 4 5, वो ये रहा 5, ठीक है। वो यहाँ आकर के मिला और ये वाला ये आकर के मिला, ठीक है, यहाँ काटा इसने, तो कौन सा पॉइंट हो गया बी, -2 और -5। इसके बाद था 0 और 4, 0 को देखेंगे एक्स पर, 4 को देखेंगे वाई पर। देखिए 0 को देखा हमने एक्स पर, ये रहा 0, और 4 किस पे देखा, वाई पर। तो ऊपर की तरफ जब चलेंगे तो कहाँ पर आ गया, ये रहा 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सी पॉइंट, कैसे, 0 तो x एक्सिस पे देखा और y पे देखा 4, तो ऊपर तक आ गए, ये आ गया सी 0 और 4। इसके बाद था हमारा d पॉइंट 7 और 0, 7 को देखेंगे x पर, 0 को देखेंगे y पर। तो 7 देखेंगे, ये रहा 7, तो ये रहा प्लस का 7 है, तो 7 ये आ गया हमारा, और 0 ऊपर की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ कुछ गया ही नहीं है, तो यहीं के यहीं रुक गया ये, है ना। तो ये वाला जो 7 पे पॉइंट आया, ये 7 पे पॉइंट आपको शो हो रहा है, ये है डी पॉइंट, कौन सा पॉइंट है डी, इसको पॉइंट लगा देते हैं इस टाइप से पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। तो यह इसको लिखा ऐसे ही जाएगा, इसको डी और 7, 0 ऐसे ही शो करना है आपको, जैसे यहां शो किया गया है। इसके बाद फिर आ गया ई, ई है -3 और -5। अब -3 कहां पर आएगा, एक्स पर देखेंगे, तो -3 ये रहा और -5 कहां है, ये रहा। तो दोनों कहां मिलेंगे आकर के, ये और ये कहां मिले आकर, यहां पर, ठीक है। ये हम देख लेंगे कहां मिल रहे हैं, वही पॉइंट हो जाएगा ई, कौन सा पॉइंट हो गया, ये ई पॉइंट, ये लगा दिया, देखिए लिखा हुआ है, और साइड में लिख दिया इसके ई -3 और -5। इसी टाइप से हमारा एफ है 5 और -3, 5 को देखेंगे एक्स पर, तो एक्स पे 5 कहां है, ये रहा, और -3 कहां है, ये। तो यहां से तो ये चला इधर और यहां से ये चला, दोनों कहां मिल गए, यहां पर आकर। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया एफ, कौन सा पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट लग रहा है ये कौन सा पॉइंट हो गया एफ, 5 और -3।
पहले वाले नंबर को x पे देखो और दूसरे वाले नंबर को y पे, बस ये ध्यान रखना है आपको। फिर आ गया g, g भी माइनस का 5 और x भी माइनस का 5 और y भी माइनस का 5। तो देखिए g को देखते हैं, माइनस का 5 कहाँ है, ये रहा माइनस का 5, और x का माइनस का 5 कहाँ है, ये रहा माइनस 5। तो दोनों कहाँ काटेंगे, ये आया और यहाँ से ये आया, तो कहाँ पे लगा पॉइंट, ये ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, g। तो g इसलिए माइनस का 5 और माइनस का 5। इसके बाद फिर हमारा है h का 0 और 0, मतलब ओरिजिन पे ही आ गया 0 0, ना तो x की तरफ बढ़ा ना y की तरफ। तो कहाँ पर आ जाएगा ये बिल्कुल बीच में जो पॉइंट शो हो रहा है, ये बिल्कुल बीचों बीच में ये h हो गया। क्या हो गया, ये h, O फॉर ओरिजिन है और ये ही हमारा h हो गया, क्योंकि h 0 है, x भी 0 और y भी 0, तो इसलिए बीच में लगा दिया हमने, बिल्कुल पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, पॉइंट लगाया हुआ है बीच में, ये रहा ये h है, क्या है ये h, 0 और 0। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स को इसमें लोकेट कर सकते हैं। पहला वाला नंबर x एक्सिस पे देखना है, दूसरा वाला नंबर y एक्सिस पे, बस आपको ये ध्यान रखना है और पॉइंट्स को लगाते हुए चले जाएंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट, वेरीफाई डेट लाई ऑन ए लाइन। इसमें भी यही देखना है, पहले तो पॉइंट्स लगाएंगे, सारे पॉइंट्स जो दिखाई दे रहे हैं ए बी सी डी, और जैसे पॉइंट लग गए फिर उसको एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करके देखेंगे, यदि एक ही लाइन में आ रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए पहला है 4 और 0, तो पहला लगाया हमने, 4 देखा x एक्सिस पे ये रहा, और 0 यहीं का यहीं रह जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर बड़ा ही नहीं है, y चलता ऊपर की तरफ, तो y 0 है तो यहीं के यहीं रुक गया, इसलिए पहला पॉइंट क्या आ गया हमारा a का, ये आ गया a, 4 और 0, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, दूसरा पॉइंट था 4 और 2, तो 4 देखेंगे x एक्सिस पे, 4 तो ये रहा x एक्सिस पे, और y पे क्या देखेंगे 2, तो सेकंड पॉइंट ये लग गया। पहले पॉइंट लगाएंगे, लाइन बाद में ड्रॉ करना, ये तो फाइनल है आंसर, आपको पहले बी ये पॉइंट लगाने हैं केवल। तो ये क्या हो गया, बी लगा दिया हमने, ये 4 ये रहा और 2 ये रहा, यहां पे लग गया। फिर सी था हमारा, सी पॉइंट था 4 और 2.5, तो 4 ये आ गया और 2.5 कहां गया, 2 ये रहा, और 0.5 कहां जाएगा, बीच में, 0.5 का मतलब हाफ हो गया, तो वो कहां पर आके लग गया, ये तो कितना आ गया 4 और 2.5। और चौथा कौन सा था हमारा, चौथा था हमारा डी 4 और 6, तो 4 और 6, 4 देखेंगे x एक्सिस पे ये रहा 4, और y एक्सिस पे देखेंगे 6, तो कहां मिला, ये आया और यहां से ये आया, कहां पर मिले डी पॉइंट पे, तो डी क्या था 4 और 6। तो इस तरीके से पॉइंट लगा लिए, पॉइंट लगाने के बाद अब इनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दी, तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, नहीं आ रही है बिल्कुल, तो क्या हो गया ये स्ट्रेट लाइन पर है, तो लिख देंगे आफ्टर ज्वाइनिंग ए बी सी डी वी कैन सी डेट द गिवन पॉइंट्स फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। तो सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं तो क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट, वेरीफाई डेट दे लाई ऑन ए लाइन। इसमें भी यही है, पहले हम पॉइंट्स में लगाएंगे और उसके बाद फिर उसको देख लेंगे स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। जैसे एल है 6 और 2 है, तो पहले 6 देखेंगे x एक्सिस पे, 2 देखेंगे y एक्सिस पे, स्केल वही रखना है आपको सभी में ही, सही है, स्केल tan sd इज इक्वल टू 1। अब x एक्सिस पे तो देखा 6, ये रहा 6, और y एक्सिस पे देखा 2, तो कहां मिले आकर के, यहां पे, ठीक है, तो यहां लगा दिया पॉइंट l और ब्रैकेट में लिख दिया 6 और 2। पहले पॉइंट्स लगाएंगे, फिर m है 5 और 3, तो 5 देखेंगे x एक्सिस पर, 5 ये रहा और 3 कहां है, ये रहा, तो कहां मिले आकर के, m यहां पर मिल गया, ठीक है, तो ये लिख दिया m 5 और 3। इसके बाद n 3 और 5 है, 3 देखेंगे x एक्सिस पे, y देखेंगे, y पे देखेंगे 5, तो 3 तो ये रहा, ये चला, और 5 कहां है, ये, तो दोनों को यहां पे कहां कट कर रहे हैं, यहां पर स्केल से आप देख लेंगे, यहां पर आया n, तो इसको क्या लिख देंगे, n 3 और 5, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के तब लिखना n 3 और 5। इसके बाद फिर हमारा है क्या है, फिर ओ ये है 2 और 6, 2 और 6, तो 2 देखेंगे x पर, 2 देखेंगे x पर, y पे देखेंगे 6, तो 2 तो देखा ये रहा x एक्सिस पे, ये रहा, और उस पे देखेंगे 6, तो y एक्सिस पे देखा 6, तो कहां कट करे, ये आया, यहां से ये आया, तो कहां कट कर गया, ये O, तो ये हो गया O 2 और 6। अब इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन आ रही है, नहीं आ रही, स्केल से हमने ज्वाइन करा, तो स्केल से ज्वाइन करा, स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसमें लिख देंगे आंसर, After joining L, M, N, O, we can see that the given points form a straight line. कि एक स्ट्रेट लाइन में है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट, इसमें भी प्लॉट करना है पॉइंट्स को एंड चेक इफ दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं है, इफ नॉट यदि नहीं है, पहले वाले अभी स्ट्रेट लाइन में आए थे, अभी देखे थे हमने, अभी कह रहा है स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो नेम द शेप दे फॉर्म व्हेन जॉइंड इन द गिवन ऑर्डर, तो इसमें ये बताना है कि फिर जब हमने ज्वाइन करा तो कौन सी फिगर बन के आ रही है, स्क्वायर बन के आ रहा है, ट्राइंगल बन के आ रहा है, रेक्टेंगल बन के आ रहा है, पैरेललोग्राम बन के आ रहा है, क्या बन करके आ रहा है, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले पॉइंट्स लगाएंगे, पहला पॉइंट है पी वन और थ्री, तो वन एक्स को पर देखेंगे वन और थ्री देखेंगे वाई पर, तो एक्स पर देखा वन ये रहा और थ्री देखा वाई पर ये रहा, तो कहां ज्वाइन करा, ये आ गया, कहां गया पी ये रहा, तो पहले हम पॉइंट लगाएंगे पी, ये ज्वाइन बाद में करा है मैंने, तो पहले पॉइंट लगा दिया पी वन और थ्री, ये लग रहा पॉइंट। इसके बाद फिर क्यू पॉइंट है वन और फाइव, क्यू वन तो वन ये रहा एक्स पर और फाइव कहां ये रहा, तो कहां ज्वाइन करेगा, यहां पर और यहां से यहां, तो आ गया क्यू वन और फाइव। इसके बाद फिर क्यू के बाद आर है थ्री और थ्री, तो आर है थ्री और थ्री, तो थ्री कहां ये रहा एक्स एक्सिस पर और वाई पर कहां है थ्री ये रहा, तो कहां पे कट कर गया, ये कट गया, तो क्या हो गया आर थ्री और थ्री। इसके बाद एस है थ्री और फाइव, तो एक्स एक्सिस पे लेंगे थ्री, ठीक है थ्री तो ये आ गया और फाइव ये आ गया, तो कहां पर आ गया, ये कट गया, ये दिख रहा आपको, तो ये एस पॉइंट लगा दिया एस और यहां पे लिख दिया एस थ्री और फाइव। तो पॉइंट लगाने के बाद फिर हम इनको ज्वाइन करेंगे, ये देखिए ये ज्वाइन करा, ये करा, ये करा, ये, तो क्या बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया, क्योंकि दो दो यूनिट दोनों में आई है, वन टू बॉक्स, वन ओ वन टू बॉक्स, वन ओ वन टू बॉक्स, वन ओ वन टू बॉक्स, तो मतलब टू टू सेंटीमीटर की आ गई हर साइड, तो क्या हो गया स्क्वायर, क्या बन गया एक स्क्वायर। तो लिख देंगे आफ्टर ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स वी सी डेट दे फॉर्म ए स्क्वायर, ये किस फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम यही है, प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट एंड चेक इफ दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इसमें भी ये चेक करना है स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं है, है तो लिख देंगे स्ट्रेट लाइन पे, इफ नॉट यदि नहीं है, नेम द शेप कौन सी शेप बन के आ रही है, फॉर्म व्हेन जॉइंड इन द गिवन ऑर्डर, यदि हम उसको इस ऑर्डर में ज्वाइन करते हैं, ऑर्डर भी दिया हुआ है, जे के बाद के को मिलाएंगे, के के बाद एल को, एल के बाद एम को, ये भी ध्यान रखना है ऑर्डर को, ठीक है। तो पहला जे है फोर और थ्री, तो फोर देखेंगे एक्स पर, वाई पे देखेंगे थ्री, स्केल वही रखना है टेन एस इज इक्वल टू वन, तो जे में फोर तो ये रहा और थ्री ये रहा, अब इनको स्केल से अब देख लेंगे कहां कट रहे हैं, यहां कट रहा है तो यही पॉइंट आ गया जे, जे पॉइंट आ गया क्या फोर और थ्री, ये लग रहा पॉइंट, ठीक है इसको लिख दिया फोर और थ्री, केवल पॉइंट लगाया है, मिलाएंगे बाद में, पहले पॉइंट लगाएंगे, जे के बाद के है सिक्स और वन, अब देखेंगे सिक्स को एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे सिक्स ये रहा और वन कहां पर है ये रहा, तो यहां से ये आया और यहां से ये आया, कहां मिला यहां पर, तो ये क्या आ गया के, के सिक्स और वन। इसके बाद क्या है एल, एल कितना है सिक्स और फाइव, ठीक है अब सिक्स देखेंगे एक्स एक्सिस पर, ये रहा सिक्स एक्स एक्सिस पर और फाइव ये रहा, यहां से ये आया और यहां से ये आया, कहां ज्वाइन करा यहां पर एल पर, तो क्या आ गया सिक्स और फाइव, ठीक है। एल के बाद फिर एम, एम कितना है फोर और सेवन, अब फोर कहां पर है, फोर तो ये रहा हमारा और सेवन कहां है वाई एक्सिस पर, ये रहा, अब यहां से जब ये चला ये और यहां से चला ये, कहां ज्वाइन करे यहां पर, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया एम पॉइंट, क्या हो गया एम पॉइंट फोर और सेवन, ठीक है। अब इसमें आप ये देखेंगे हमने जो बनाया हुआ है ये कि हमने एक्सिस सभी में शो आपको ऐसे ही करना है, एक्स डैश ओ और एक्स, ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए अच्छे से बता रहा हूं, ये हमने कोऑर्डिनेट्स दिखाए हुए हैं एक्स डैश ओ और एक्स, फिर वाई ओ और वाई डैश, ये हमारे कार्ड और जिस पे बन रहा है ये ग्राफ पेपर क्या है कार्टेशियन प्लेन, जिस प्लेन पे बना रहे हैं, और ये दोनों क्या हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर दिया हमने, इनको प्लॉटिंग कर दी, स्केल जरूर ले लेना टेन एस डी इज इक्वल टू वन। प्लॉटिंग करने के बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे जिस उसने ऑर्डर में कहा था, जे के बाद के के बाद एल मिलाया, एल के बाद एम, एम के बाद फिर से एन, तो कैसी फिगर बन गई ये एक पैरेललोग्राम बन गया, इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है ना, और इनके आमने सामने की साइड्स भी इक्वल है, तो इसलिए क्या हो गया पैरेललोग्राम। तो लिख देंगे आफ्टर ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स वी सी डेट दे फॉर्म ए पैरेललोग्राम,
तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा। आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, इन क्वेश्चंस की, और ग्राफ पेपर पे करके देखिएगा, सबकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, गुड बाय।